Hello everyone, this is me, Hamza Jonani. I am a social activist and a youth developer. Today my topic is be grateful. हमारी जिंदगियों में हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, हालांकि उनके पास कारोबार होता है, उनके पास आजाइशें होती हैं, उनके पास फैमिली होती है, उनके पास घर होते हैं, बड़ा पैसा होता है, लेकिन लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की है क्यों? जी, वजह यह है कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखें आप लोग कि कंपेरिजन किल्स द जॉय ऑफ हैप्पीनेस। आपको जिस चीज़ से खुशी हासिल होती है, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, जहां आपको लग्जरी महसूस होती है, हम वहां पर भी लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। होता यह है कि हम अक्सर लोगों की कामयाबियों को ज़्यादा अप टू डेट देख रहे होते हैं। अगर हम उसी मुकाबले में अपनी देखें तो अल्लाह ताला ने हमें भी बड़ा नवाजा होता है, लेकिन हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर रहे होते। मेरी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत ऊपर नीचे ज़िंदगी रही है मेरी, और जब मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम चल रहा होता है तो मैं चारों तरफ अतराफ में मुझे तालियां और शोर सुनाई दे रहा होता है, और जब मेरा बुरा टाइम होता है तो फिर समझ गए होंगे आप। एनीवेज, एक टूल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आप लोग शुक्रगुजारी की आदत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और वो टूल है फ्लाइट फ्रीज एंड फाइट। एक्चुअली होता ये है हमारे साथ, हम अक्सर लोगों से जो है वो हमेशा लोगों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लोगों को जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो हम लोगों से जो है वो बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ से हमारी फाइट शुरू होती है। फिर आता ये है कि हम लोगों को जब कंपेयर कर लेते हैं तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश में फ़्लाइट पकड़ने लगते हैं, और वो फ़्लाइट हमें अक्सर गिरा देती है, हमें और नीचे ले जाती है। और एक ज़बरदस्त टूल है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो है फ्रीज का मतलब होता है स्टिल हो जाना, रुक जाना। जी हाँ व्यूअर्स, होता ये हमारे साथ कि हम जब देख रहे होते हैं कि हमारी ही कंपनी में, हमारे ही ऑफिस में, हमारे बराबर वाला जो हमारे जैसे ही काम करता है, उसकी ज़रा सी अच्छी खूबियाँ देख के हम जेलिस होने लगते हैं, जेलिस ही फील करने लगते हैं, एंड दिस लेड यू टुवर्ड्स योर अनसक्सेसफुल लाइफ एंड नेगेटिविटी। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमेशा सोचना चाहिए कि जिस मुकाम पर क्या आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या आप बचपन में उसी मुकाम पर थे? जिस मकाम की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने इस वक्त आपको दे दी है, क्या आप पैदा होते ही वो इज़्ज़त पा चुके थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत के बरक्स, आपकी जो है वो काविशों के बरक्स और आपकी लर्निंग्स के बरक्स आपको वो कामयाबी और वो मकाम अता किया है। लेकिन हम अक्सर लोगों को जब कंपेयर करने लगते हैं तो वो कंपेरिजन हमारी खुशियों को तबाह कर रहा होता है। होता ये कि हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों की जो है वो नाशुक्री करते हुए मज़ीद मांगने लगते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पूरा दौर आ चुका था एक बार, जब ये था कि मैं सोचता था कि व्हाट डू आई हैव, एक्चुअली मेरे पास है क्या, अल्लाह ने मुझे दिया क्या है। मैं भूल चुका था कि अल्लाह ने मुझे पेरेंट्स दिए हैं, मैं भूल चुका था कि अल्लाह ने मुझे फैमिली दी है, मैं भूल चुका था कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लोग मिले, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल लाइफ मिली है, और बहुत अच्छी PR मिली है, या बहुत अच्छे इज़्ज़त करने वाले दोस्त और अहबाब मिले। उस वक्त जब मैं तमाम चीज़ों से जो है वो नज़रें फैलाते हुए अल्लाह ताला से ये शिकवा कर रहा था कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो हासिल हो जाए, और अक्सर आप लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन वहाँ पर रीज़न आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया। फ्लाइट फ्रीज एंड फाइट, याद रखें, फ़्लाइट में हम हमेशा उड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें अक्सर व बेशतर गिरा देता है, फ़ाइट जो होता है वो हमें लोगों से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम वो लोगों से दौड़ कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एक आप ठोकर लगती है, आप ये समझ, ऐसी ठोकर लगती है कि वो हमें मज़ीद तबाह बर्बाद कर देती है। आपने अक्सर ये एक्टिविटीज़ देखी होंगी कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, आप कभी अगर आप टीचर रहे हो या आपने कभी किसी ट्रेनर के अंडर में अम्ब्रेला में आपने ट्रेनिंग हासिल की, तो आप देखते हैं वो एक एक्टिविटी करवाते हैं। उस एक्टिविटी में ये होता है कि वो कहते हैं बच्चों को अपनी मुट्ठियों को इस तरह करो, इसमें जो दो बच्चे इस तरह से मुट्ठी करते हैं तो उन्हें दर्द होता है, जब वो क्लैप करते हैं तो उन्हें राहत महसूस होती है। इसका मतलब, इस छोटी सी एक्टिविटी का मतलब यह है कि जब आप यूं कर रहे होंगे तो आपस में आप एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बट आप जब यूं कर रहे हैं तो आप आपस में एक दूसरे से शेक हैंड कर रहे हैं, यानी आप एक दूसरे को राहत पहुंचा रहे हैं। यही सेम टूल मैंने अपने साथ किया, और मैंने उस वक्त फ्लाइट और फाइट इन दोनों को साइड पर करके मैं फ्रीज़ हो गया। मैं एक हमारे कराची में बड़ी मशहूर जगह है, तमाम लड़के जानते होंगे उस जगह को, वहाँ पर जाकर समंदर को देखते हुए, वहाँ पर समंदर की लहरों को महसूस करने के लिए बैठ गया, और अल्लाह ताला से जो है वो शिकवे के बजाय अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की मैंने थोड़ी सी कोशिश की। जब मैं सोचा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, वहीं मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरे पास सांस है, मैं सांस ले सकता हूँ,
और इससे बड़ी नेमत कोई और हो नहीं सकती। तो इस सांस लेने पे मैंने शुक्रगुजारी करने की कोशिश की अल्लाह ताला से, और यकीन जाने इतना सुकून महसूस हुआ था उस वक्त का जो सुकून मेरी जो कैफियत थी मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जब हम देख रहे होते हैं कि हमें कामयाबी हमसे दूर जा रही है, जब हम देख रहे होते हैं कि हमें जो चीज़ हमारे गोल्स है वो गोल्स अचीव नहीं हो रहे होते, जब हम देखते हैं जब हमारे एम्स अचीव नहीं हो रहे होते, हमारे जो एक साल का जो हमने वन ईयर प्लानिंग की थी वो प्लानिंग में ज़रा सी गड़बड़ आती है, उसके पीछे क्या वजह होती है ये हम देखना भूल जाते हैं। हम शुक्रगुजारी नहीं करते, हम जो है वो बहुत सारी नेमतों को इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें मज़ीद की तलब हमें मज़ीद मार देती है। तो आज की इस वीडियो का जो मेन अहम पैगाम था वो यही था कि बी ग्रेटफुल। किस तरह ग्रेटफुल रहना है, एक टूल हमेशा याद रखें ज़िंदगी में, अपने जेब में वो टूल डाल दें, जो आपकी फ़्लाइट है, फ़ाइट है और फ्रीज है, इन दो तीनों में आपने दो चीज़ों को रिड्यूस कर देना है। हम इस टूल को जानते नहीं हैं लेकिन हम इस टूल को एक्सपेरिमेंट हमेशा करते हैं। हम लोगों से लड़ते हैं, हम लोगों से झगड़ते हैं, हम लोगों से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश बुरी नहीं है लेकिन उस कोशिश को करने का तरीका आपका हमेशा गलत होता है। आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से जेलिस होते हैं, आप लोगों की बुराइयाँ करते हैं, आप लोगों को उनकी जो स्किल्स अंदर खा रही होती है उन्हें आप मज़ीद उनको डिग्रेड करते हैं, हम लोगों को डीमोटिवेट करते हैं। ज़रा सोचिए कि डीमोटिवेट करने के बजाय, डिग्रेड करने के बजाय अगर हम उनका हाथ पकड़ लें, हाथ थाम लें, और टांग खींचने के बजाय अगर हम हाथ खींचें, तो क्या ये हमें भी कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगा? वंस ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब ज़रा सोचिए, क्या मेरे इस टूल से इस बात का बड़ा कनेक्शन नहीं है, बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं है? क्या तुम लोगों की टांग खींचने के बजाय अगर उनका हाथ खींचो और उनको आगे बढ़ाओ अपने साथ, तो क्या अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद कामयाबी नहीं देगा? जी हाँ, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स गुजरे और इस वक्त भी जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स मौजूद है, फिर चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, फिर चाहे वो हमारे जो है वो स्पोर्ट्स में लीडर्स हो, फिर चाहे वो हमारे आर्टिस्ट हो, अगर वो अपने साथ दूसरे लोगों को आगे ले जाते हैं तो अल्लाह ताला अल्टीमेटली उन्हें और कामयाबी देता है। लेकिन हम यही तो गलती कर रहे होते हैं, हम लोगों को आगे ले जाने के बजाय उन्हें पीछे धकेल रहे होते हैं, हम लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम खुद नाकामयाब होते हैं और नाकामयाबी हमारा मुकद्दर बनती है। तो अगर कामयाब होना चाहते हो तो नेमत का शुक्र अदा करो। तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा काम है, कम खाओ, शुक्रगुजारी के साथ खाओ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप शुक्रगुजारी आजमाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र हाल में अदा करेंगे तो वो रब आपको हमेशा कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।